हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू कंटिन्यू अवर चैप्टर यूनिट 6 द तान्य तर्प है। इन माय लास्ट पीरियड आई हैड कंप्लीटेड एक्टिविटी 6, सो नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 7। सो लेट वी सी एक्टिविटी 7। अ ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर मीन्स क्या होता है, दिमाग की कसरत। हैंड द आंसर्स फ्रॉम द क्लूज गिवन, यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको आंसर क्लू की मदद से बताना है एंड यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और आपको अपनी तरह से सेंटेंस बनाने हैं। All the words are in the text. सभी शब्द टेक्स्ट में दिए गए हैं। By its initial sound, you are reminded of the first day of the week and the routine ahead. Initial sound, शुरुआत के जो साउंड है, you are reminded, आपको रिमाइंड करने में आते हैं, of the first day, पहले दिन से, वीक के पहले दिन से आपको ये सुनाई देता है साउंड शुरुआत के प्रारंभिक, और आप यूजुअल हो जाते हो रूटीन। तो यहाँ पे आएगा कौन सा एक्सपीरियंस, मुंडेन। मुंडेन मीन्स होता है सांसिक, भौतिक, भौतिक अनुभव। क्या होता है, भौतिक अनुभव, मतलब मुंडेन एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट आंसर मुंडेन होता है। बीइंग सेकंड नंबर, बैंग टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर यू हैव इट। बैंग टू हार्ड ऑब्जेक्ट, दो हार्ड ऑब्जेक्ट को टकराव होता है, बैंग एंड देयर यू हैव इट, और आपको ये सुनाई देता है, आप क्या देखते हो, क्लैक, टकराव। दो ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट टकराव होता है तब आपको ये देखने मिलता है, क्लैकिंग का आवाज, टकराव का, क्या आएगा, क्लैक। फॉर बेटर और फॉर वर्स, अच्छा या बुरे के लिए। दे आर विद ईच अदर ऑलवेज, भला हो या बुरा हो, वो दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। दे आर विथ ईच अदर ऑलवेज, हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। तो आपको मालूम है दोस्तों, या वाइफ या हस्बैंड, तो उसको बोलते हैं स्पाउसिस, क्या बोलते हैं, स्पाउस। इन द मॉनसून इट मे डिस्क्राइब द रेन, मानसून के टाइम में, बारिश के, बरसात के टाइम में, इट मे डिस्क्राइब द रेन, रेन का डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णन देता है। इन द फैक्ट्री द नॉइज एट द वेडिंग रिसेप्शन द म्यूजिक, एंड इन अ फैक्ट्री द नॉइज, फैक्ट्री में जो आवाज है, एट अ वेडिंग रिसेप्शन द म्यूजिक, और वेडिंग सेरेमनी होती है तो रिसेप्शन में म्यूजिक का भी वो बजता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोबिंग। थ्रोबिंग मतलब दबकता है, थ्रोबिंग आने, थ्रोबिंग मतलब दबकना। इट इज नेवर सेपरेट और वन आफ्टर द अदर, इट इज नेवर सेपरेट, वो कभी अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद दूसरा कभी सेपरेट होता नहीं, ऑलवेज टूगेदर, हमेशा एक साथ होते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिसन, क्या बोलते हैं, यूनिसन। यूनिसन मतलब एकता, एक होना। बिगिन विद द हेड गियर, हेड गियर से स्टार्ट करके, गो टू ड्रिंक या बेवरेज पीने के लिए जाना, ठंडा पीना लेने जाना, एंड देन कीप वेटिंग, बाद में उस
वेट करना, वो कैसा लगता है? कैप्टिवेटिंग, मतलब आकर्षक लगता है। कैसा लगता है? Begin with a head gear, go to a drink beverage and then keep waiting. तो captivating क्या है? So here there are six, कितने हैं? छः है। Okay, so we have completed here activities seven. Now एक्टिविटी एट, देखो एक्टिविटी एट इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड बिल्डिंग है, शब्द के सही फॉर्म बताओ। नाउन है, एडजेक्ट है, एडवर्ब है, वो आपको पहले मैंने आपको बताया था। सो फर्स्ट वन, Every year the fair seems to grow in popularity, आता है popular, आता है कि popularize, तो every year the fair seems to grow in popularity, क्या है? popular, हर साल मेले की जो popularity है, लोकप्रियता, वो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? popularity, not popular, क्या है? popularity, तो यहाँ पे आएगा पॉपुलैरिटी। एवरी ईयर द फेयर सीम्स टू बिकम मोर, हर साल मेला कैसा लगता है? सीम्स टू बिकम मोर पॉपुलर, क्या आता है? मोर पॉपुलर, ज्यादा पॉपुलर बनता है। हियर द मैनी डैश कॉस्ट्यूम्स क्रिएट अ मेमोरेबल सीन, हियर द मैनी कलर्स, कलर्ड के कलरफुल, तो यहाँ पे क्या आएगा? कलर्ड, यहाँ पे बहुत सारे कलर के कॉस्ट्यूम है, तो हियर द मैनी कलर्ड कॉस्ट्यूम, कलर्ड कॉस्ट्यूम, क्रिएट मेमोरेबल सीन, एक यादगार सीन क्रिएट करो। हियर द कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के कॉस्ट्यूम है, हियर द कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम है, क्रिएट अ मेमोरेबल सीन। सो फ्रेंड थर्ड वन, It is a dash to wear that attire. It is a dash to wear that attire. मतलब ये जो ड्रेस है वो कैसे है? ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन है कि ट्रेडिशनली, तो क्या आएगा? It is a tradition. ये क्या है? एक tradition. टू वियर डैट अटायर, ऐसे ड्रेस पहनने का एक ट्रेडिशन है, क्या है? परंपरा, क्या है? ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन है। दे वियर देयर ट्रेडिशनल अटायर, क्या है? ट्रेडिशनल, दे वियर देयर ट्रेडिशनल अटायर, मतलब वो क्या पहनते हैं? उसके ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। अटायरमेंट क्या तो होता है? ड्रेसेस होते हैं, तो दे वियर देयर ट्रेडिशनल अटायर, मतलब वो लोग उनके ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। द गर्ल इज डैश सीकिंग अ हस्बैंड, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबली, क्या प्रोबेबल, तो प्रोबेबली, प्रोबेबली उसके हस्बैंड को ढूंढ रही है। The girl is probably शायद, probably क्या करेगी वो? हस्बैंड को ढूंढ रही। It is probable girl,
that the it is probable that the girl is seeking a husband. It is probable. It is probable that the girl is seeking husband. वो आवश्यक है कि वो लड़की अपना हस्बैंड को ढूंढ रही है. 5-1 There are tattoo artists who dash a large variety of visitors. देखो यहाँ पे who है तो यहाँ पे verb आएगा attract. क्या आएगा? Attract. There is a tattoo artist who attract a large variety of visitors. There are tattoo artists who become an attraction for. इसमें क्या आएगा? Attraction for a large variety of visitors. मतलब यहाँ पे artist है. There are artists, tattoo artists who become an attraction for a large variety of visitors. बहुत अलग अलग visitors के लिए वो एक attraction बन जाएगी. Their dash is to entice the girl. Intention, intentionally के intent को क्या आता है? Intent. Their intention is, उनके intention, इरादा. Their intention is to entice the girls. मतलब वो girl को entice करना, मतलब उसको लोभ कराना, उसको लालच देना. They dash to entice the girls. So they intend to entice the girls. 7-1 They wear their clothes and headgear to dash the girls. Impress तो दे वियर देयर क्लोथ, मतलब उन्होंने उनके कपड़े पहनते हैं. दे वियर द क्लोथ एंड गेट हियर, सॉरी हेड गियर मतलब पगड़ी, टू डैश द गर्ल्स. किसके लिए? गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए. दे वियर देयर क्लोथ एंड हेड गियर टू मेक एन इम्प्रेशन. क्या बनाने के लिए? इम्प्रेशन ऑन द गर्ल्स, गर्ल्स के ऊपर उनकी एक छाप बताने के लिए. इम्प्रेशन यहाँ पे आएगा, इम्प्रेशन. ओके फ्रेंड, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 9 ऑल्सो, 7-8 ऑल्सो. एक्टिविटी 9 इज नॉट इम्पॉर्टेंट. And activity 10 is letter writing. So letter writing, we will take a lecture, separate lecture in our grammar topic. So friends, here we have completed our textbook syllabus. And now we will take grammar. Okay, Jai Swaminarayan to all of you. And you have to write question answer in your CW notebook. You have to write properly in your CW notebook. Jai Swaminarayan to all of you.